हाँ दोस्तों, मैं हूँ राजवंत सिंह बौली। गोल्ड गुरुकुल और प्रॉपर्टी गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो मैंने लिया है धनवान से निर्धन, निर्धन से निधन। मतलब जिस आदमी के पास पैसा होता है वो निर्धन हो जाता है, निर्धन होने के बाद उसका सीधा ही निधन हो जाता है, मतलब मौत हो जाती है उसकी। क्यों मौत क्यों होती है? जब आदमी धनवान है, जब आदमी के पास पैसा है, तो वो पैसा जो है जब उसके पास से पैसा निकल जाता है निर्धन होता है। निर्धन होने का मतलब है जब पैसा चला गया तो आपकी फाइनेंशियल डेथ हो जाती है। फाइनेंशियल डेथ होने का मतलब ये है कि आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके बहुत चाहने वाले वो आपसे दूर होना शुरू कर देते हैं। कारण ये है कि वो ये समझते हैं कि ये आदमी अभी फाइनेंशियल टाइटनेस से गुजर रहा है, फाइनेंशियल करंच से गुजर रहा है, तो ये आदमी हमारे से कभी पैसा ना मांग ले। उनको इनसिक्योरिटी हो जाती है कि पैसा, यदि हमने इसको पैसा दे भी दिया तो पैसा वापस नहीं आएगा, हमारी जो रिश्तेदारी है, हमारी जो दोस्ती है वो ख़राब हो जाएगी। मैं ये पहले कहता हूँ कि यदि आपके पास कार है तो आप की कार कहीं गई हुई है, सर्विस के लिए गई हुई है, कहीं और ले गए, तो आप अपने दोस्तों से किसी को फ़ोन करोगे कि मेरे को कार चाहिए आज इमरजेंसी, वो आपको कार भेज देगा। यदि आपके पास बाइक है और आप उसको कि मेरा बाइक आज ख़राब हो गया, तो वो आपको एक दिन के लिए बाइक चाहिए तो वो भी बाइक आपको मिल जाएगी। साइकिल वाले बंदे को बाइक नहीं मिलती और बाइक वाले बंदे को कार नहीं कभी भी मिलती। कारण ये है कि लोग अपने जैसे बंदों के, अपने लेवल के बंदों के साथ ही डील करना चाहते हैं, अपने लेवल के बंदों के साथ ही मिलना चाहते हैं। तो जब आदमी के पास ये आदमी धनवान है, जब इसके पास पैसा था, तब लोग इसको अपना आदर्श मानते थे और इसकी सलाह लेके चलते थे कि मेरे बेटे को क्या करना चाहिए, मेरी बेटी को क्या करना चाहिए, मेरी बेटी की शादी करनी है, क्या करना चाहिए, कैसे करना, तो सब आदमी सलाह लेने आते थे। जिस दिन यह निर्धन हो गया तो कोई आदमी इसके पास सलाह लेने नहीं आ रहा, उल्टा इसकी कुर्सी पर बैठ के इसी को समझा रही हैं कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये गलती की, तुमने ये गलती की, तो वो उसकी फाइनेंशियल डेथ हो जाती है। सिंपल, जब फाइनेंशियल डेथ हो जाती है तब इस तरीके के लोग जो आपको कभी किसी समय आदर्श मानते हैं, तो वो लोग आपको सलाहें देने आते हैं, आपको क्रिटिसाइज करने आते हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत पिंच होता है। मैंने ये ज़िंदगी में ये दंश झेला है मैंने। तो ये फिर जो इस फाइनेंशियल डेथ के बाद हमारी सोशल डेथ हो जाती है, क्योंकि लोग हमारे से कटना शुरू हो जाते हैं, और जब कटना शुरू हो जाते हैं तो बिल्कुल हमारी जो लाइफ है, बिल्कुल आइसोलेटेड जो लाइफ है, जो बिल्कुल अलग तरीके की लाइफ हो जाती है, तो हमें बहुत ही दिक्कतें आती हैं। सो दोस्तों, धनवान से निर्धन, निर्धन से निधन, इसका मतलब ये है कि आपने बचाना है। यदि आपके पास पैसा है, बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर, तो आपने अपने पैसे को संभालना है। मनी M3 का फार्मूला जो मैं बोलता हूँ बार बार, मनी मेकिंग, मनी मैनेजिंग, मनी मल्टीप्लाइंग। जितना मर्जी आपके पास पैसा हो, यदि आपके पास मनी मैनेजिंग नहीं है ना, सेकंड वाला, तो आपका पैसा एक दिन उड़ जाएगा, डूब जाएगा। तो आपने ये ध्यान रखना है यदि आप धनवान हो। और बात, आप एक चीज़ नोट करो, हमारे देश में किसान खुदकुशी कर रही हैं, बहुत किसानों ने खुदकुशी की है। मेरा ख्याल काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा अलार्मिंग फिगर थी किसानों की, लेकिन मजदूर ने की कभी, मजदूर बहुत कम है जो जिन्होंने खुदकुशी की हो। कारण के किसानों के पास जमीन होती है, इनके पास अच्छा, मतलब इनका रहन सहन होता है, ठीक होता है, जब इनको कोई प्रॉब्लम आती है, लोग इनसे कट जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। मजदूर को तो पता है उसके पास ना पहले था ना अब है कोई, वो अपने अपने माइंड को इसी तरीके के सेट करके चले जाते हैं। जो किसान लोग हैं हमारे पंजाब में खास करके, बहुत ज़्यादा खर्चे करते हैं, मतलब ब्याह शादी पे हुआ, मतलब मरने पर हुआ, बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। ऊपर से कहीं ना कहीं ईगो भी क्लैश कर रही है। ये जो हमारे पंजाबी सिंगर हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा भट्ठा बटा दिया है जट्टों का, ये जट ऐसे करेगा, जट वो करेगा, जट वो करेगा, जट की माँ, जट की ज़मीन, पता नहीं किस तरह की वीडियोस, किस तरीके के गाने ये देते हैं। तो वो गाने देख के बच्चा जब 18-19 साल का है, वो फीलिंग ले लेता है कि वाकई यार मैं इसी तरीके का हूँ, वो जबकि सच्चाई से दूर होता है। तो हमने इन जो लंडर कलाकार हैं, जो जिनको कोई मतलब कोई बेस नहीं है, इनकी कोई बात नहीं माननी, इनको सुनना बंद कर दो।
नेगेटिव चीज़ें लेनी बंद कर दो। यदि आप नेगेटिव चीज़ें लेनी बंद कर दोगे तो डेफिनेटली आपके घर में बहुत अच्छा जो पीस है वो आ जाएगा और आपके दिल में ठहराव, आपके दिमाग में ठहराव आ जाएगा। ऊपर से गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट किसान के साथ है ही नहीं। मैं अपनी बात बता दूं, 1981 में मेरी 462 रुपये सैलरी थी और आज मेरी, आज ये 40 साल के बाद 1,00,000 रुपए के आसपास मेरे साथ के बंदे लेते हैं 462। इसका मतलब ये होगा 250 गुना रेट बढ़ गया। और 1981 की मैं बात करूँ, 1981, और 1981 में गेहूं का रेट 142 रुपए था और अब 2,000 रुपए भी लगा लो तो ये कितना हो गया, यदि मतलब डेढ़ गुना हो गया, ये 15 इसको 15 से मल्टीप्लाई हुआ है, इसका रेट 15 से मल्टीप्लाई हुआ है और इसका रेट 250 से मल्टीप्लाई हुआ है, ये 15 मल्टीप्लाई। तो ये इनको मतलब ये कसूर नहीं है इनका, इनका भी 100% कसूर नहीं है, लेकिन जो रेट है गेहूं का रेट है, चावल का रेट है, वो उस रेट से नहीं बढ़ा जितनी रेट से हमारी सैलरी बढ़ गई है। टेलीफोन एक्सचेंज में कोई बहुत बड़े अफसर नहीं लगा हुआ था, मैं बहुत छोटे लेवल पे काम करता था और जो मेरे साथ के बंदे रिटायर होने वो 1,00,000 के आसपास पहुँच गए हैं। तो ये चीज़ें हमने देखनी है, ध्यान रखना है कि हम निर्धन ना हों, अपने खर्चे कम करें, अपने आप को बचा के चलें। जब तक पैसा जनरेट नहीं करते तब तक आप पैसा खर्चने का आपको कोई हक नहीं है। आप पैसा जनरेट करना सीखो तो जाके पैसा खर्चना सीखो, क्योंकि जो कामयाब आदमी है, जो सक्सेसफुल आदमी है, जो अमीर आदमी है, वो पहले पैसे से पैसा कमाता है फिर वो खर्चे करता है, जबकि गरीब आदमी पैसा होता नहीं, उठा के उधार उठा के भी पैसे को खर्च कर देता है। तो इस बात से हमने बचना है। तो यदि ये देखो, ये गवर्नमेंट की भी मतलब बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि लूट कर रही है हमारे लोगों की गवर्नमेंट, तो कई जगह पे लूट कर रही है। जैसे मैंने कल भी अपनी वीडियो में बताया था कि जो मिड डे मील बनाने वाली पंजाब में लेडीज़ काम करनी है सरकारी स्कूलों में, उनको 1,500-2,000 रुपये सैलरी मिलती है और 5-5 किलोमीटर पैदल जाती हैं आज की इतनी गर्मी में, जून के महीने में बरसात में पैदल जाना उन्होंने, कोई उनका कोई ध्यान नहीं रख रहा। सो हमने ध्यान खुद का आप ही रखना पड़ेगा हमें। यदि हम अपना ध्यान खुद रखने में कामयाब हो जाएंगे तो डेफिनेटली हमारी जो हालात है, हमारे हालात हैं, वो बेटर होते चले जाएंगे। जितना भी आप ये एक किताब पढ़ो, थिंक एंड ग्रो रिच, उसमें मेरा ख्याल 20 बंदों की लिस्ट है जो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा अमीर आदमी हुए हैं, उनकी लिस्ट है, और उनमें से बहुत लोगों ने सुसाइड किया है, कोई पागल हुआ है, कोई कुछ हुआ है, मतलब मेंटल प्रेशर नहीं झेल पाया। तो भाई ये इस बात से बचने के लिए हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि यदि हमारे पास पैसा है उसको M3 के फार्मूले से चलना है। M3 का फार्मूला यदि आप उसको मिस कर दोगे, मनी मेकिंग, मनी मैनेजिंग एंड मनी मल्टीप्लाइंग, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं गड्ढे में गिर जाओगे, कहीं ना कहीं दलदल में फंस जाओगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और इसके ऊपर चर्चा करना। कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में, चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा देना। दोस्तों इस तरीके की वीडियो काफ़ी मतलब मेरा जोर लगता है इसे ऐसी वीडियो देखने में, ढूंढने में और बनाने में। तो ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इन वीडियो से अपनी लाइफ में जो तरक्की ला सकते हो वो ला सकते हो। आज के लिए इतने, बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। आपका दोस्त, आपका होस्ट राजवंत सिंह मोहाली। आप सीखते जाएं, पढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू वेरी मच।